नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम अपने छोटे बचत को कैसे जमा करें। जैसे बैंक के विषय में मैंने आपको बताया बैंकों की स्थिति, जहां पर एफडी आरडी और डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में आप जाकर के वहां मेरे लिंक को देख सकते हैं। लेकिन आज मेरा मुख्य चैप्टर है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि मध्यम वर्ग के छोटे वर्ग के बचत को आकर्षित करना, फंड के रूप में उनको पैसे को रखना, जिससे वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, मेन वर्क है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट में इसकी हम सहायता प्रदान करते हैं। सबसे फर्स्ट यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। इस समय इसकी उस समय ऑथराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ रुपए था। आज की डेट में यह म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम निवेश करती है। यूटीआई को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, फर्स्ट यूटीआई सेकेंड। यूटीआई सेकेंड पार्ट वैल्यू 1987। नेट असेट्स सभी योजना के अंतर्गत रखी गई, पर संपत्तियों का इनके संचालन, यूटीआई का संचालन 4 भागों में किया गया, जो 2025 के शेयर के रूप में है। फर्स्ट है एलआईसी, एसबीआई, बीओबी और पीएनबी द्वारा किया गया। चारों बैंकों ने मिलकर के इनके मूल वैल्यू को चुका दिया गया, जिनका एक मैनेजमेंट अमेंडमेंट एएमसी, इनके मैनेजमेंट सिस्टम है जो इनको ये यूटीआई के कंट्रोल करती है, जिनकी सभी लोगों की हिस्सेदारी। और स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि 4 है जिनकी प्रत्येक का कैपिटल 25% है। 25% किनका है, पुनः ध्यान दे, इसके अंतर्गत एलआईसी, एसबीआई, बीओबी और पीएनबी का है। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये इन्वेस्ट करने की बहुत बड़ी स्कीम है, जिसमें आप अपने डिपॉजिट मनी एफडी आरडी सेविंग से ज्यादा रिफंड पैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अब बताया कि जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से करती है, एलआईसी का म्यूचुअल फंड को गवर्न करती है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड, जीआईसी म्यूचुअल फंड। फंक्शन ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के क्या कार्य है, स्मॉल सेविंग, छोटे बचत को बढ़ाना और उन्हें इंडस्ट्री डेवलपमेंट में निवेश करने के कारण बता के म्यूचुअल फंड या अन्य लोगों को इन्वेस्ट करवाना, जिससे इंडस्ट्री को सहायता। सेविंग, लोगों की बचत बढ़ाना और उन्हें बताना कि हम बैंक से ज्यादा आपको रिटर्न देंगे। लेकिन ये रिटर्न थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज मार्केट रिस्क। यूटीआई का पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगता है तो ये मार्केट रिस्क है। शेयर वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड बढ़ेगा तो वैल्यू आपको अधिक मिलेगी, मार्केट डाउन होगा तो वैल्यू आपको डाउन ही मिलेगी। इन्वेस्टर डिफरेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्ट को छोटे छोटे भाग में विभाजित करना, जिससे कम से कम पैसा और अधिक से ज्यादा लोगों का जमा करके मैक्सिमम अमाउंट को कलेक्ट करना। अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें अवसर होती है कि आपको कम से कम रिस्क रहती है, जिसके आधार पर आप पैसे लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यूटीआई भारत की इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसके अंतर्गत हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका मूल उद्देश्य म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आता है। यदि आपको मेरे इस चैनल के किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत होती है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां आप दे सकते हैं। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका पूर्ण रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह चैनल ज्ञानवर्धक सूचना के लिए आपको बनाई गई है, जिसमें कई सब्जेक्ट्स वगैरह विषय में धीरे धीरे वीडियो दिए जा रहे हैं, वो आपको दिए जाएंगे। आप इसे मैक्सिमम
आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, इससे किसी भी कारण से वो वंचित न रह सके। धन्यवाद।